हेलो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे बैगन का भरता। गुजराती में आने रींगणानू भरथू कहवाये छे। अगर आप कभी गाँव गए होंगे तो आपने ये डिश जरूर से ट्राई की होगी, क्योंकि गाँव में ज़्यादातर बैंगन का भरता बनाया जाता है। अब हम सबसे पहले बैंगन लेंगे और बैंगन चूज करते टाइम आपको ये ख्याल रखना है कि बैंगन हमारा वेट में हल्का होना चाहिए और सॉफ्ट होना चाहिए, ताकि हम जो भरता बनाए उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और इसके अंदर से शीट भी कम निकलेंगे। बैंगन की कैप हमें चारों ओर से निकाल देनी है और उसके बीच में होल करके सीधा गैस के ऊपर उसको पकने के लिए रख देना है। आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके उसको गैस के ऊपर रख देना है। बीच बीच में हम उसको उल्टा करते रहेंगे, चारों ओर से हमें इसको पकाना है। इसीलिए बैंगन का भरता पूरे इंडिया में बनाया जाता है और हर जगह बनता है और लोग उसको प्यार से खाते भी हैं। बैंगन के भरते के साथ बाजरे की रोटी बहुत ही अच्छी लगती है, और अगर उसके साथ मूंग की दाल और चावल की खिचड़ी साथ में हो तो बात ही बन जाती है। बैंगन के भरते के साथ खिचड़ी बहुत ही अच्छी लगती है। हमारे एक बैंगन पक्के रेडी हो गया है। अब हम इसका मसाला ले लेंगे। मसाले में हमने लिया है ऑयल लिया है, ऑयल हमें ज़्यादा ही लेना है, और ऑनियन है, टोमेटो है, धनिया है, गार्लिक है, नमक है, गरम मसाला एक छोटा टेबलस्पून लिया है, जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर और धनिया पाउडर। रेड चिली पाउडर हमने थोड़ा तीखा लाल लिया है और थोड़ा कश्मीरी लाल मिर्च लिया है, ताकि कलर भी अच्छा आएगा और टेस्ट भी अच्छा बनेगा। हल्दी हमको थोड़ी ही लेनी है। हमारे बैंगन अच्छे से पक गए हैं। अब हम उसके छिलके निकाल लेंगे। सभी बैंगन को हम ऐसे ही छिलके निकाल के अलग कर लेंगे। आराम से इसके छिलके निकालने हैं, क्योंकि पके हुए बैंगन के छिलके निकालने थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठंडा होने के बाद ही आप इसके छिलके निकालें। अब उसकी कैप हम उससे अलग कर लेंगे और अच्छे से उसको मैश करेंगे। बैंगन का भरता खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और सर्दियों में खास बनाया जाता है बाजरे की रोटी के साथ, क्योंकि सर्दियों में बाहर ठंडी रहती है, इसलिए ये बॉडी को गर्म करने के लिए बैंगन का भरता और बाजरे की रोटी बहुत ही अच्छी रहती है। अब हम इसको फ्राई करने के लिए एक पैन में ऑयल लेंगे। हमें इसमें ऑयल ज़्यादा ही लेना है, क्योंकि वो एक ग्रेवी जैसा बनेगा। अब हम इसमें गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। गार्लिक पेस्ट बनाने के टाइम मैंने उसमें नमक ऐड कर दिया था। उसके बाद हम इसमें हल्दी ऐड कर लेंगे। अब इसमें हम हरी ऑनियन जो हमने काट के ली थी वो ऐड करेंगे। एक पूरा बाउल हरी ऑनियन है। सर्दियों में ये बैंगन का भरता बहुत ही बनता है, क्योंकि बैंगन भी अच्छे मिल जाते हैं और हरी ऑनियन भी होती है और गार्लिक भी हरा रहता है। अभी मुझे नहीं मिला है हरा गार्लिक, इसलिए मैंने ड्राई गार्लिक ही इसमें ऐड किया है। अब हम इसमें टोमेटो ऐड करेंगे। टोमेटो हमें बहुत बारीक काटना है और पूरा बाउल मैंने ऐड कर दिया है, ताकि जो बैंगन की अगर कड़वाहट रहेगी वो टोमेटो से निकल जाएगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। हमें इन दोनों को अच्छे से पकाना है और साथ में उसको मैश करते रहना है कि
ताकि जब हम बैंगन का भरता जो हमने पकाया वो इसमें ऐड करें तो इसके साथ अच्छे से मिल जाए। आप देख सकते हैं मैं इसको मैश भी बीच बीच में करते रहना है। जब अच्छे से पक जाए तब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। हमने रेड चिल्ली पाउडर ऐड कर लिया है, इसको मिक्स करेंगे और धनिया पाउडर और जीरा पाउडर हमने अलग अलग इसलिए लिया है कि ज़्यादा धनिया पाउडर हम ऐड करेंगे, जीरा पाउडर थोड़ा कम ऐड करेंगे। जीरा पाउडर ऐड कर लिया है हमने, उसके बाद हम धनिया पाउडर भी ऐड कर लेंगे। अब हम गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाला ऑप्शनल है, आपको ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। अब हम इसमें हमारा बैंगन जो पकाया था वो ऐड कर लेंगे। बैंगन का भरता खाने में बहुत ही टेस्टी और लाजवाब होता है और गांव में इसको बहुत ही बनाया करते हैं लोग। जब हम फार्म में बैंगन का भरता बनाते हैं तो उसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा होता है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ज़्यादा देर इसको गैस पे नहीं रखेंगे। अब हम इसमें धनिया मिक्स करके इसको नीचे उतार लेंगे। हमारा बैंगन का भरता रेडी है। अब हम गैस बंद करके इसमें धनिया ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों रेडी है हमारा बैंगन का भरता। आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी होता है। अब हम इसको सर्व करने के लिए नीचे ले लेंगे। अब हम इसको एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा बैंगन का भरता बहुत ही अच्छा बना है, इसका कलर भी बहुत ही अच्छा है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है। इसको आप हमेशा ग्रेवी के जैसा ही बनाएं, ज़्यादा इसको सब्जी जैसा मत बनाएं, क्योंकि ग्रेवी जैसा ही बैंगन का भरता अच्छा लगता है। और मैंने बाजरे की रोटी के साथ और खिचड़ी और बटर मिल्क, गार्लिक की चटनी, ऑनियन, हरी मिर्च और पापड़ के साथ इसको सर्व किया है। बाय दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।